नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिटेल प्रमोशंस। एक रिटेलर अपने स्टोर के अंदर अपने स्टोर के बाहर अपने प्रोडक्ट्स को अपनी सर्विसेज को अपने स्टोर को कैसे प्रमोट करता है नाउ वी आर गोइंग टू सी तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिटेल प्रमोशंस क्या हैं रिटेल प्रमोशंस बेसिकली वो सेट ऑफ एक्शन हैं जो कि एक रिटेलर लेता है अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए अपनी सर्विसेज को पुश करने के लिए ट कस्टमर ताकि कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज़्यादा इंक्रेज हो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए आपकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए सो नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रोमोशन पीरियड बेशक वो मंथ का हो वो वीक का हो वो क्वार्टर का हो वो रिटेलर ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज़्यादा कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करे और ज्यादा से ज़्यादा टर्न ओवर अचीव करे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफिटबिलिटी मार्जन भी अर्न कर सकता हो तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वाइल रिमेन कंपेटिटिव इन प्राइस कैसे वो प्रमोशंस दे कि उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स भी अचीव हो और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव हो तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोमोशन के फॉर अ रिटेलर क्या वो सेट करता है सबसे पहले बात ट्रैफिक बिल्डिंग के लिए ऑब्जेक्टिव ये है टू जनरेट फ्रीक्वेंसी हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन ब्रिंग इन कस्टमर बैक टू योर स्टोर कस्टमर की स्टोर में क्या फ्रीक्वेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रोमोशन का यह है कि आप ट्रैफिक को जनरेट कर सकें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फ्लो को जनरेट कर सकें जितना ज्यादा कस्टमर आएगा जितना फ्रीक्वेंटली कस्टमर आपके पास बाय करेगा उतना ज्यादा ऑफकोर्स आपका टर्न ओवर जो है वो अचीव होगा दूसरा ऑब्जेक्टिव इज ट्रांजेक्शन बिल्डिंग विच मीन इंक्रीज इन सेल्स तो प्रमोशन के थ्रू तो ऑब्जेक्टिव यह है कि आप सेल्स को इंक्रीज कर सकें ट्रांजेक्शन को इंक्रीज कर सकें क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लो आएगा अल्टीमेटली उतनी ज्यादा टर्न भी आपका होगा कॉन्ट्रीब्यूट टू टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल प्रमोशंस जहां पर रिटेलर ये करता है कि क्योंकि उसका टारगेट ये है कि मैं स्टोर में प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को लेकर आऊं ट्रैफिक बिल्ड करूं रेवेन्यू इंक्रीज करूं ऑन द अदर साइड काफी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जिसके ऊपर वो मार्जिन भी अर्न कर रहा होता है तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रोडक्ट एक्स लेने के लिए आएगा ही विल बाय प्रोडक्ट वाई ऑल्सो एंड अल्टीमेटली द स्टोर विल गेट रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी तो दिस विल इंक्रीज द टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द स्टोर ऑल्सो दैट इज वन ऑफ द दब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोशन विद देन शो विथ डेप्थ ऑफ द रेंज जब कस्टमर को आप थ्रू प्रोमोशन बुलाएंगे अपने स्टोर के अंदर यू हैव द ग्रेट चांस टू शो दैम द डेप्थ ऑफ देंट दिथ ऑफ देंट द रेंज यू आर गोइंग टू कैरी और रेंज यू आर कैरिंग ऑलरेडी इन टू द स्टोर तो ये वन ऑफ द फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है एक रिटेलर का अपनी प्रोमोशन के थ्रू वो क्या आउटकम लेना चाहता है इसी तरीके से इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी ऑब्जेक्टिव यह है कस्टमर को जितना ज्यादा आप गेज रखेंगे एंगेज रखेंगे उतना ही ज्यादा कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड होगी सो द बेनिफिट ऑफ कस्टमर इज गोइंग टू सी वेरी रेग्युलरली टू योर स्टोर

और लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है क्रिएट एडिशनल डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर आपके पास क्योंकि यू यू नो नाउ कि अगर मैंने किसी एक आर्टिकल के ऊपर प्रमोशन दी है तो मैंने क्या बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट कर लिया है और मैं क्या बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या कर सकता हूँ सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है इफ़ आई एम गोइंग टू हैव दिस प्रमोशन तो मुझे कितनी प्रोडक्ट्स uh, या किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो चाहिए ताकि ऑफर करूं ताकि कस्टमर जो है वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो क्विकली अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रोडक्ट्स को बाई कर सके तो हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें बेसिक जो की वन ऑफ द की पॉइंट्स वन ऑफ़ द की रोल्स में से है वो प्रमोशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दिस इज़ द प्रमोशन इज़ क्योंकि आपको पता है कि हमने बड़ा फ्रीक्वेंटली इसको पढ़ा कि हमारे पास जो बेसिक रूल्स हैं स्टोर ऑपरेशन के पी एस पी एस पी पी यानी कि प्रजेंटेशन साइनेज प्रमोशन सेफ्टी प्रोडक्ट क्वालिटी एंड पर्सनैल तो ये छः रूल जो हैं ये सिक्स बेसिक प्रिंसिपल जो हैं ये इसमें रोल ऑफ प्रमोशन इज़ वन ऑफ द की आइटम्स टू हाईलाइट और अगर आप देखेंगे तो ये शो कर रहा है इस बेसिक प्रिंसिपल चार्ट के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस को ताकि रिटेलर के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि कस्टमर के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है सो so, प्रमोशन के अंदर बट यू हैव टू डू आपको जो स्पेशल मर्चेंडाइजिंग करनी है हाईलाइट करना है प्रमोशन आर्टिकल्स को डिस्प्ले करना है प्रमोशन आर्टिकल्स को और ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टोर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टोर के टर्नओवर को इम्प्रूव कर सकें ऑब्जेक्टिव यह है कि ट्रैफिक को बिल्ड कर सकें ऑब्जेक्टिव यह है कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन को स्टोर के लिए अर्न कर सकें और अल्टीमेटली कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड कर सकें